नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप अगर थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी हैं, और प्लस यूपी टेट, सुपर टेट, आने वाले सी टेट। देखिए, आप अगर सारे SST फॉलो कर रहे हैं, सारे SST जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपका सी टेट का जो सेकेंड पेपर होता है उसका झंझट खत्म, यूपी टेट का जो सेकेंड सेमेस्टर उसका झंझट खत्म। सच बता रहे हैं, बस ऐसे पढ़ लीजिए, पूरा हिस्ट्री खत्म कर देते हैं मॉडर्न वाला, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, है ना। तो सारी चीज़ें आपके लिए हैं। अब इस पूरे सेशन को हम सुपर टेट में भी जोड़ देंगे, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मीडियवल में जो हमने पढ़ाया, एक तरह से सल्तनत काल, प्लस हमने जो पढ़ाया आपको सल्तनत काल के बाद, हमने एक पढ़ाया ना मुगलों का पूरा व्यवस्था, मुगल, उत्तर मुगल काल प्लस पूर्व मुगल काल, सब चीज़ें हमने पढ़ाया। तो अभी आपका मिडिवल हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री स्टार्ट है, आधुनिक इतिहास, तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप देखते चलिए, आज हम आ गए हैं बंगाल विजय पर। बंगाल विजय के साथ साथ आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ाएंगे, लेकिन आज सिर्फ प्लासी का युद्ध, क्योंकि बंगाल विजय के साथ एक प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, इसके बाद कल बक्सर का युद्ध। इसको पढ़ने के बाद हमने बताया है आपको कि गांधीवादी, गांधी एरा पूरा लाएंगे, 1857 की क्रांति लेकर आएंगे, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने बोला है। तो आप लोग का बस प्यार चाहिए, आप लोग से उम्मीद है, क्योंकि यह सेशन आपको पता है, आप तो पढ़ रहे हैं, और प्लस आप जानते भी हैं ये सेशन PCS, UPSC, मतलब हर लेवल तक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं SSC के, आपके घर में तो होंगे बच्चे छोटे, इंटर में पढ़ रहे होंगे, 11 में पढ़ रहे होंगे, उनको इस चीज़ को पढ़वाइए, उनसे उनको बताइए सारी चीज़ें। और एक सुबह 7 बजे सेशन आता है, उसको भी फॉलो करिए। और एक आया था महामैराथन, उसको भी देखिए, डिग्री थर्ड सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन बहुत जल्द स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको देखिए मस्त तरीके से, प्यार से, और सारी चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए, जैसे कि एग्जाम कभी भी हो आप तैयार रहें, एक मौका हमारे लिए काफ़ी होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, सारी चीज हमने देखा, फिर उसके बाद कंपनी की व्यवस्था देखा। तो पुर्तगाल थे, फिर अंग्रेज थे, फिर डच थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी थे। 1668 के ईस्वी के आसपास, 1665-64 के आसपास आते हैं फ्रांसीसी, और 1668 में अपना कंपनी सूरत और मछलीपट्टनम में जमाते हैं। और प्लस वहीं अंग्रेज का देखें तो अंग्रेज भी सूरत और मछलीपट्टनम में जमाते हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक व्यवस्था जो होता है, लड़ाई जो होती है, यह अंग्रेज और एक तरह से कह लीजिए कि अंग्रेज और प्लस जो फ्रांसीसी थे उनके बीच होता है। इनके बीच 3 कनेटिक वार भी होता है, हमने बताया 3 कनेटिक वार कौन कौन सा, 1746 से लेकर 1749 तक होता है, उसके बाद 1742 से 1746 होता है, फिर उसके बाद 1749 से 1754 होता है, फिर उसके बाद 1756 से लेकर 1763 तक होता है। उसी समय एक हमको वांडीवास का लड़ाई देखने को मिल जाता है, वांडीवास 1760 में होता है, जिस समय यह तय हो जाता है कि फ्रांसीसी का बुरिया बिस्तर सिमट चुका है, अब यहाँ पर अधिकार किसका हो गया पूरी तरीके से, अंग्रेजों का। यह सारी चीज़ें हमने देखा। आज जो पढ़ने वाले हैं बंगाल विजय, क्योंकि बंगाल उस समय का बहुत बड़ा एक तरह से क्षेत्र रहता है, मुगलों के समय ही बंगाल काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि भैया जिसका यहाँ शासन है वो पूरा तरीके से पूरा भारत का शासन करके रखता था। उत्तर मुगल काल में मुगलों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा कमजोर पड़ने लगी थी, अब पता होना चाहिए, उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद जहांदार शाह, फारूक सियर, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, इस तरह से आते हुए क्रम से चले गए। तो फारूक सियर के समय बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली थी, हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। वहीं अगर बात करें, इतिहास में एक नया मोड़ लेना स्टार्ट हो गया था, कि भैया यह मुगलों से एक तरह से अंग्रेजों के हाथ में जाने ही वाला था, एक तरह से चला भी गया था, और कैसे जाता है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई हमको देखने को मिलता है, पूछा जाता है कब पूरी तरीके से एक तरह से भारत पे सत्ता अंग्रेजों को आ जाता है, तो कहेंगे बक्सर की लड़ाई के बाद। हम सारी चीज़ें करेंगे, देखेंगे एक क्रम से। अब देखिए, अगर बिहार उड़ीसा की बात करें, आपको पता होना चाहिए यह हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, इधर आपको पता है बिहार वाला क्षेत्र है, नीचे झारखंड वाला क्षेत्र है, और प्लस इधर हमारा बंगाल वाला, मतलब ये बांग्लादेश जो है वो पहले बंगाल के नाम से ही जाना जाता था, असम का कुछ पार्ट हो गया, प्लस उड़ीसा का कुछ पार्ट हो गया, उड़ीसा पूरा, ये सारे के सारे क्षेत्र जो आते थे बंगाल के नाम से जाने जाते थे। तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल, जो आपका कलकत्ता वगैरह पोर्ट है जो, और प्लस बिहार, असम, असम का कुछ पार्ट, ये पूरा का पूरा बंगाल का एक तरह से भव्य रूप था, बहुत बड़ा रूप था वहाँ पर। इस वजह से सारे लोग कब्जियाना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे कपास, वस्त्र उद्योग, चाय और बहुत बड़े बड़े उद्योग कंपनियाँ वहाँ पे लगाई गई थी, और अंग्रेज भी उस क्षेत्र को बिल्कुल कब्जा करके रखते थे जब तक उनके पास था, जब तक मुगल शासन व्यवस्था अच्छी चल रही थी। अब वहीं पर क्षेत्रीय सत्ता धीरे धीरे उभरने लगती है, और वह पूरा का पूरा बंगाल का एक तरह से नया मोड़ देखने को मिल जाता है, भारत के पूरे इतिहास में एक नया मोड़। क्योंकि आपको पता है, जब आंतरिक क्लेश बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यही कारण रहा कि अंग्रेजों से हम 1947 में जाकर जीते, ये तो बहुत पहले भी जीत चुके होते अगर आंतरिक
क्लेश, आंतरिक सारी चीज़ें, अगर कहते हैं ना जिस थाली में आदमी खाता है अगर उसी थाली में छेद करने लगता है तो उसका घर सत्यानाश हो जाता है, उसका घर खत्म हो जाता है। यह सारी चीज़ें भारत में भी देखने को हमेशा मिलती रही है और आज भी देखने को मिलता है, बहुत जगह देखने को मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था इतना ख़राब है हमारा कि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन खैर वो अलग बात है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसको भी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर क्षेत्रीय सत्ता का उदय हो जाता है बंगाल में। और आपको पता होगा, हमने बताया था कि बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद जहांदार शाह जिसे लंपटमुर के नाम से जानते थे, और इसके बाद फर्रुखसियार आता है। फर्रुखसियार 1717 में आता है, एक तरह से नया फरमान जारी करता है किसको, मुगलों अंग्रेज़ों को 1000 रुपये वार्षिक किराए पर वह बंगाल पर एक तरह से कह लिए कि व्यापार करने को सौंप देता है अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ भी क्या थे भाई, अपनी कोठी वगैरह बना लिए थे, मस्त तरीके से व्यापार कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, बंगाल में एक तरह से सूबेदार का एक शासन था, उस सूबेदार का नाम था मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां ये कदापि नहीं चाहता था। मुर्शिद कुली खां का जो शासन था वह 1717 से लेकर 1727 तक रहता है, याद रखेंगे 1717 तक से लेकर 1727 तक रहता है, 1727 तक रहता है इसका शासन। और इसके समय ही अंग्रेज का जो मुगल जो था, फर्रुखसियार जो था, वो भी अंग्रेज़ों को छूट देते थे, भैया आप व्यापार करो। अब क्या होता है, मुर्शिद कुली खां और अंग्रेज़ों के बीच में उठापटक देखने को मिलता है, छोटे मोटे सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो मुर्शिद कुली खां था वो नजराना भेजता था मुगल को, फर्रुखसियार को प्लस जितने भी मुगल काल के मुगल आते चले गए उत्तर मुगल काल, उनको एक तरह से नजराना भेजते थे। वो सब नाच गाने में मस्त रहा करते थे, बहुत सारी चीज़ें नाच गाने में मस्त रहा करते थे, और इनके नजराने से अपना भरपेट मतलब सारी चीज़ें होता रहता था। उनको अगर पता चल गया यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ पर अपनी सेना भेज कर उसको शांत कराते थे, उनका ये काम होता था। अब इधर अंग्रेज भी एक तरह से मोटा होने लगे थे, मतलब एक तरह से कंपनी उनकी विस्तार होने लगी थी, क्षेत्रीय विस्तार करना स्टार्ट कर दिए थे, जमाना जमावड़े के रूप में अपना एक तरह से कर लीजिए स्थिति मजबूत करने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन खुलकर सामने चीज़ें नहीं आई और मुर्शिद कुली खां था अंग्रेज़ों के बीच में यह सारी चीज़ें जो होती रही, एक तरह से आंतरिक रूप से छोटे मोटे जगह उठापटक होता रहा और यह खुलकर सच में भव्य रूप से सामने नहीं आता है, इसमें कुछ हस्तक्षेप हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर वहीं देखा जाए तो 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां का डेथ हो जाता है, 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां का डेथ हो जाता है, तो 1727 में। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे राजा जो छोटे छोटे सूबेदार और आते हैं, याद रखना है उनके नाम पूछे जाते हैं बहुत बार, उनका नाम रहता है दो छोटे छोटे, एक सुजाउद्दीन होता है, सुजाउद्दीन सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दीन होता है, और एक होता है सफराज। क्या नाम होता है, सुजाउद्दीन, इसका सूझ सूखा था, इतना ही पिटाया था ना, इसका सूझ गया था पूरा, सुजाउद्दीन होता है, एक सरफराज। जो सुजाउद्दीन होता है 1739 से लेकर 1739 तक रहता है, और जो यह सरफराज होता है 1740 से लेकर 1740 तक रहता है। अब सुनिए सारी कहानी, इसको याद रखिएगा, 1700 क्योंकि इसके समय भी जो सुजाउद्दीन था यह भी एक तरह से नजराना वगैरह भेज रहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। और जो यह सरफराज था, सरफराज की हत्या कर दी जाती है 1740 में, क्योंकि वहीं पर एक तरह से कलेज सेनानायक रहता है, उस सेनानायक का नाम रहता है अलवर्दी खां। यही रहता है जो एक प्रकार से नाना होता है सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला जो क्लासिक लड़ाई लड़ता है, सिराजुद्दौला का नाना होता है अलवर्दी खां, याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक नया मोड़ देखने को मिलता है, अलवर्दी खां आता है। यह अलवर्दी खां कौन होता है भाई, अलवर्दी खां जो होता है एक तरह से नाना होता है किसका, याद रखेंगे, नाना होता है सिराजुद्दौला भाई, इस पर कन्फ्यूजन मत करिएगा, यह सिराजुद्दौला है, सुजाउद्दौला नहीं। सुजाउद्दौला बक्सर के समय आता है, वो बिहार वाले क्षेत्र का नवाब होता है ना, और वो मीर जफर के साथ होता है जो मीर कासिम का दामाद होता है। सारी चीज़ें करेंगे व्यवस्थित रूप से, आप लिखते चलिए सारी चीज़ों को, या फिर सुन लेंगे तो कहानी के माध्यम से बहुत ही दिनों तक ये दिमाग में रहेगा। सिराजुद्दौला का एक तरह से नाना होता है अलवर्दी खां, अभी सिराजुद्दौला बहुत छोटा होता है। तो अलवर्दी खां जो काम करता है भैया, यह सीधा सीधा आता है और सरफराज को मार डालता है, गला घोट देता है इनका। अब अलवर्दी खां एक तरह से इस बात को छुपाने के लिए जो मुगल शासक रहते हैं उसको नजराना भेजता है, वो भी कितना नजराना भेजता है याद रखेंगे, बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से कई करोड़ रुपए, दो करोड़ रुपए का वो नजराना भेजता है किसको, मुगल को, कि यह बात खुलकर सामने नहीं आए कि हमने अलवर्दी खां जो है सरफराज को मारा है। तो यह एक तरह से कह लीजिए सेनापति होता है ना, तो सेनानायक, इसके सेना में कोई रहा होगा क्योंकि सेनानायक है बोलते हैं। तो यह मुगलों को एक तरह से नजराना भेज देता है 2 करोड़ रुपए का,
2 करोड़ रुपए का। अब इतने में मुगल खुश हो जाते हैं और ये सारी बातें चर्चा नहीं करते या फिर खोज विनोद नहीं करते हैं कि सच में तुम कैसे आए, है ना। बस उनको एक तरह से भूखे थे वो पैसे के, पैसे ले लिए, बात खत्म। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल जाता है। अब देखिए इनकी कहानी समाप्त हो गई। अब यह बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला अलवर्दी का, ये एक बार नजराना भेज देता है, अब दोबारा कभी नजराना भेजता ही नहीं है कई सालों तक। अब वहाँ पर सारी चीज़ें शांत होता है और यहीं पर नज़र बैठा कर बैठे रहते हैं यूरोपीय कंपनियाँ में, अंग्रेज हो गए, फ्रांस हो गए, सारे लोग। तो सारी चीज़ें हैं, एक मिनट रुकिएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए एक चीज़ और है मित्र, यहाँ पर जो अलवर्दी खां था एक शब्द बोला था, है ना, एक कोट बोला था कि भैया जो यूरोपी हैं अगर इनको एक मधुमक्खी की तरह होते हैं अगर इनको छेड़ा जाए तो यह एक तरह से, मतलब इनको अगर ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे, अगर छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। और यही बात यह सिराजुद्दौला को बताते हैं, सिराजुद्दौला भी इसी पद पर इसी तरह कार्य करता रहता है। इस बात को याद रखना, अलवर्दी खां कौन था, नाना था, किसका था, सिराजुद्दौला का था। अब थोड़ी सी एक मिनट रुकिएगा। तो अकेले रहने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मतलब कि जो अलवर्दी खान था वो क्या बोलता है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज को अगर छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगे, मतलब एक मधुमक्खी की तरह होते हैं, अगर इनको छेड़ा न जाए तो ये शहद देते हैं, अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये काट काट के मार डालते हैं। और इस ख्याल में ये जीते रहते हैं और उधर अंग्रेज भी ये सोचते हैं, आखिर यह ससुरा जो है कि भैया यह नजराना देना भी बंद कर दिया, यानी कि अब हमारी चीज़ें जो हैं, अब हम भी सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्री होकर। तो वह और मन बड़े तरीके से काम करने लगे अपना। अब अलवर्दी खान को यह शोभा नहीं देता है और अलवर्दी खान के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, सुनिएगा पहले, फिर उसके बाद उधर चलते हैं। अलवर्दी खान की तीन पुत्रियाँ रहती हैं, तीन पुत्रियाँ थी जिनका नाम, जो कि एक तरह से कहिए कि पहली पुत्री थी ढाका में इनकी शादी कराया था यह, और दूसरी पुत्री थी पूर्णिया में, और तीसरी पुत्री थी इनकी जो पटना में उनका शादी हुआ था। यह 1756 में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तो याद रखना 1757 से पे तो बैठता है और 1756 तक रहता है, 1756 तक रहता है। 1756 में जब यह इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से कह लीजिए कि हमको सिराजुद्दौला का नौटंकी देखने को मिलता है। सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला जो कि एक तरह से इनकी जो कौन सी पुत्री थी, जो कि इन यहाँ की जो तीसरी बेटी थी इनकी पटना वाली, उनका एक पुत्र रहता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। अब क्या होता है, अब उनकी बेटियां जो थी, और बेटियां जैसे कि जो ढाका की थी और जो दूसरी पूर्णिया की थी, उन पे क्लेश उत्पन्न हो जाता है। याद रखेंगे वो क्लेश हमको बहुत, मतलब एक किसी भी सिस्टम को बिगाड़ने के लिए आंतरिक क्लेश ही काफ़ी होता है। घर का अगर मेंबर ही गुस्सा हो जाए, घर के मेंबर ही में ही रोज़ लड़ाई हो, तो अब बहुत बड़ा एक तरह से जहर होता है। घर बाहर वाला अगर मेंबर लड़ाई करता है तो उसको सुलझाया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, घर के सारे मेंबर समझकर उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर आंतरिक क्लेश हो जाता है तो सच में घर की बर्बाद होना निश्चित है। अब यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज इसी का फ़ायदा उठाते हैं और अंग्रेज भी इसी फ़िराज में रहते हैं कि अब सिराजुद्दौला आया है, इसको पटक कर मारेंगे और सारी चीज़ें हम अपने पक्ष में करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, सिराजुद्दौला अब खतरनाक होता है भाई, है ना भैया। देखिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार होता है अलवर्दी खां से, लेकिन वो बच निकलते हैं सब अंग्रेज, उसमें भी सारी चीज़ें समान रूप से चलती रहती हैं। एक तरह से अलवर्दी खां इस चीज़ को जानता है कि इनको छेड़ना नहीं है, ये जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि ये मधुमक्खी की संख्या देते हैं, तो इसी बात को याद रखना। अब सिराजुद्दौला क्या करता है, 1756 में जब शासक बन जाता है तो उससे थोड़े से मनमुटाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं बढ़ते हुए यूरोप की शक्तियाँ जैसे फ्रांस हो गई और अंग्रेज हो गए, इनको देखता है और यह कोलकाता, हमने बताया था, फोर्ट विलियम, मद्रास, मुंबई, इन सब में अपना कोठी बना रहे थे लोग और अपने किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो एक तरह से इसका एक तरह से कह लीजिए कि यह सीधा बोल उठता है सिराजुद्दौला कि भाई आप लोग अपनी जो यह किलेबंदी कर रहे हैं, आप व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये किलाबंदी बंद करो, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा भारत है, सिर्फ आप व्यापार करने आए हो तो व्यापार करो। भैया सही बोला था वो, अगर औरंगजेब चाहता तो वह कब के भाग गए होते, लेकिन औरंगजेब ससुरा वज्र भेजा था, वह एक तरह से कह लीजिए मान गया, एक तरह से पिघल गया उसका दिल और उनको रख लिया, है ना। और अब यहाँ पर अंग्रेज तो नहीं मानते हैं, लेकिन फ्रांस मान जाता है कि भाई ठीक है, अब यह साहब सिराजुद्दौला नवाब बोल रहे हैं तो उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो ससुरा बहुत मान मारेगा। तो ये मान जाता है और अंग्रेज नहीं मानते हैं। अंग्रेज कहते हैं ना भाई रुक, तो नहीं रुकेगा, जब तक पटक के नहीं मारो तब तक उनकी बुद्धि नहीं खुलती है। अंग्रेज बहुत ढीठ थे एक तरह से कह लीजिए। अब इनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई देखने को मिलता है। यहाँ पर अंग्रेज हार जाते हैं, सच में उन्हें अपनी पूरी की पूरी कंपनी बंद करनी पड़ जाती है। अब वो बंद करते हैं, लेकिन यूरोप में इसका खबर जाता है कि यहाँ पर सिराजुद्दौला नाम का नवाब है जो कि 1756 ईस्वी पे गद्दी संभालता है और हमारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। तो वहाँ पे बैठा क्लाइव और उसको चिड़चिड़ा बनता है क्लाइव, क्योंकि आपको पता है प्लासी की जो लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच ही होता है।
क्लाइव, याद रखना है आपको क्लाइव 1757 में, 1756 चल रहा है, 1757 में लड़ाई देखने को मिलता है। इसके पीछे भी बहुत राज हैं, अभी हम सारी चीज़ें बताते हैं आपको। क्लाइव सिराजुद्दौला जो था वह कमज़ोर शासक नहीं था, बहुत बलशाली था, लेकिन इसके साथ छल किया गया है, क्योंकि किसी भी महाशक्ति को हराने के लिए एक आंतरिक क्लेश ही काफ़ी है, कोई बड़ा से बड़ा महाशक्ति हो, समझ रहे। जैसे रावण को उठा के देख लो, रावण में क्या हुआ था, जब विभीषण आ गए राम से मिल गए, प्रतिद्वंदी से मिल गए उसके, तब जाके ने रावण हरा, नहीं तो रावण को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, ना ही हारता भी, लेकिन ये चीज़ें होनी थी, हुआ। अब यहाँ पे देखना, अब ये क्लाइव को पता चलता है, क्लाइव बहुत सारी सेना अपनी भेजता है, क्योंकि भाई टुकड़ी भर सेना भेजने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, तो इनके दिमाग में एक रणनीति आती है ना। वहीं पे देखने को मिल जाता है हमको ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना में एक तरह से रचना रचा जाता है, या फिर कहे षड्यंत्र होता है, या फिर यह सच में इतिहास में होता है या नहीं होता है, या फिर सच में सिराजुद्दौला ऐसा करता है कि नहीं करता है, कहीं इतिहास में नहीं लिखा है। उसमें ब्लैक होल की घटना में एक रहता है हॉलवेल। हॉलवेल जो एक सेनानायक होता है, वो साफ साफ बोलता है कि 14x18 की कोठी में, 14x18 की कोठी में, 14x18 की कोठी में सिराजुद्दौला हमारे अंग्रेज साथियों को, 147 अंग्रेज साथियों को बंदी बना लिया, बंद कर दिया, लेकिन जब सुबह खोला गया तो उसमें से मात्र 23 बचे और एक हम रह गए, यानी कि हॉलवेल, एक हॉलवेल भी उसमें से था। इस बात को यह षड्यंत्र रचा कि क्या किया कुछ नहीं पता इसके बारे में, या फिर सिराजुद्दौला ऐसा किया था कि नहीं किया था अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, ये कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा है, लेकिन यह जिक्र जरूर है। ब्लैक होल की घटना किसके समय देखने को मिलती है, प्लासी के युद्ध के समय 1756 में देखने को मिलता है, जिसमें सिराजुद्दौला 127 अंग्रेजों को बंद किया था, उसमें से मात्र सुबह देखा गया था 23 बचे, और इसको अपने खुली आंखों से हॉलवेल ने देखा था, ये 23 कहां गए, 22 भी तो थे, 22 से नहीं पूछा गया क्या, आज होते तो सच में हॉलवेल पटक के मराता, प्लस अंग्रेज को इतनी फांसी की सजा हो जाती सबको ना, कि उम्र भर कैद करते फिर जाते, लास्ट में फांसी होती, थोड़ा लंबी मिलती है भारत में फांसी ना, सारी चीजें फाइनल करने के बाद। तो इसको मजा आ गया उस समय, और यह सारी चीजें देख रहा था, और यह चीजें बोलता है कि भैया हमारे साथ गलत हुआ है। अब इस बात का फायदा उठा लेते हैं सारे अंग्रेज फायदा उठाकर अब मनगढ़ंत सारी चीज़ें रखते रहते हैं, कहानी बना लेते हैं पूरे तरीके से, और इनके जो परिवारजन थे उनसे जाके मिल जाते हैं, सिराजुद्दौला के जो विरोधी होते हैं, जैसे उनके उनके परिवारजन होते हैं ना भाई, उनसे जाके मिल जाते हैं। कौन कौन होते हैं ध्यान सुनिएगा, आंतरिक क्लेश में कौन कौन इनके साथ होते हैं, है ना। अब सिराज अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भाई हाँ, अब सिराजुद्दौला का आंतरिक क्लेश भी है, क्योंकि वह समझ वह बहुत दिमाग से सारी चीज़ खेलते थे। उनको पता चला मीर जाफर उनका सेनापति है, मीर जाफर यह इनको अपने तरफ मिला लिया, मीर जाफर सेनापति है, इसको गद्दी की लालच थी, मीर जाफर को गद्दी की लालच थी, इसको अपने तरफ मिला लेते हैं सब, इसको एक तरह से दिलासा दिला देते हैं कि अगर तुम सिराजुद्दौला का साथ न दो तो हम आपको गद्दी पर बैठाएंगे इसको हटाकर। अब उसके वो फूलों नहीं समाता है, कहता वाह हमारे मालिक बाबू साहब सब आप ही हो, सब आप हो, है ना, चौधरी साहब साहब सेठ जी सब आप ही हो, बस हमको क्या करो गद्दी पे बैठा दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद एक और आता है राय दुर्लभ होता है, जो कि दीवान होता है, राय दुर्लभ इसको तो इतना बल्ली बरोबर सब मारते हैं ना, इसकी कहानी ख़त्म हो जाता है। राय दुर्लभ एक दीवान होता है, ये दीवान होता है, इसको भी बहुत बल्ली बरोबर सब पीटते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, बाद में जब लड़ाई उड़ाई हो जाती है सिराजुद्दौला हरा देते हैं सब। तब अब क्या काम करता है भैया, राजदुल्लभ भी एक तरह सपने में मिला लेते हैं राजदुल्लभ को भी, और एक दीवान होता है भाई, दीवान जो कि बहुत सारी चीज़ें सिराजुद्दौला के बारे में जानता रहता है। एक रहती मौसी घसीटी बेगम, उसकी जो पूर्णिया की मौसी होती हैं उसकी, घसीटी बेगम इनका भी दिमाग बहुत चलता है, इनके दो बेटे होते हैं, और इनको भी एक तरह से पहले जो अंग्रेज अपनी तरफ मिला लिए थे। और एक तरह से व्यापारी होता है, उसका नाम होता है अमीन चंद्र, क्योंकि उसमें व्यापारी बहुत ही ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति है, एक तरह से कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे। अमीन चंद्र से सारी चीज़ें प्रॉपर्टी भी ले लेता है, अमीन चंद्र बहुत चालाक होता है। अमीन चंद्र ही एक तरह से कह लीजिए क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में मीटिंग करवाता है। क्लाइव आकर इससे बोलता है अमीन चंद्र से, भैया तुम बताओ मीटिंग करोगे, तो बोलता है कि हाँ मीटिंग तो करेंगे करवाएंगे, लेकिन एक हमारा शर्त है, शर्त यह है कि हमें भी आप जितना भी सिराजुद्दौला से लूटोगे उसमें से आधा हमारा होगा, प्लस जितनी कागज़ पत्तर होंगे वो सब हमारे होंगे, मतलब आधा पैसा तो हमारा होगा, प्लस जितने सोना चांदी जवाहरात तो उसके पास होंगे उसमें से भी आधा हमें दोगे पूरा का पूरा। यह बहुत बड़ा खतरनाक है भाई, ये व्यापारी होता है अमीन चंद, तो व्यापार की बातें करता है। और क्लाइव एक दिन सोचने का मौका देता है, क्लाइव पता भैया हाँ हम एक दिन सोच लेते हैं, बाद में इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, एक हलफनामा लेके आता है, नकली हलफनामा लाता है, उसका सिग्नेचर होता है, जो उस समय प्रेजेंट टाइम में वायसराय होते हैं, मतलब हेड होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, वो लेकर आता है और इसको देता है, भैया देख लो पागल तो होता है ससुराई, पैसे में केवल पागल होता है, यहाँ सिग्नेचर नकली होता है। अमीन चंद का काम होता है भैया
इसकी सारी चीज़ें मीटिंग करा देता है, और बाद में क्या होता है कि मीटिंग होने के बाद इनको टाइम टाइम फिक्स कर देता है, इनको कहानी ख़त्म कर देता है इनकी, अमीन चंद की। लेकिन एक और बंदा होता है जो कि बहुत जगत सेठ के नाम से होता है, बैंकर होता है, धनाढ्य व्यक्ति होता है, बैंकर, जिसका नाम होता है जगत सेठ। जगत सेठ बनिया होता है ना, जगत सेठ होता है, बहुत खतरनाक भैया, बनिया लोग का दिमाग बहुत खतरनाक होता है। जगत सेठ, जगत सेठ होता है जो कि एक धनाढ्य व्यक्ति होता है, धनाढ्य बैंकर होता है, बैंकर बैंकर होता है। अब ये बैंकर का काम करता है, इसको भी अपनी तरफ मिला लेता है, इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ मिलाकर अंग्रेज एक व्यू रचते हैं, रचना रचते हैं, सिराजुद्दौला को बुलाते हैं, और सिराजुद्दौला के भी दो सेनापति होते हैं जो उसका साथ देते हैं। पूछा जाता है, बता देंगे, मीर मदान और मोहन लाल, मीर मदान और मोहन लाल। मोहन लाल यह एक तरह से कह लीजिए कि अपने राजा का सेवा करना जानते थे, यह छेद करने वाले नहीं थे थाली में, है ना, ये खाए थे भाई, जब उसका कर्ज अदा करेंगे ना, तो ये मीर मदान और मोहन लाल यह एक तरह से सेनापति रहते सिराजुद्दौला का, और लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई क्या होता है पता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनको पता होता है, सिराजुद्दौला पहली बात जानता रहता है कि हमारे नाना जी कहा करते थे अलवर्दी खां कि अगर इनको छोड़ोगे, इनको छेड़ोगे तो ये काट काट के खा लेंगे, अगर नहीं छेड़ोगे तो एक तरह से शहद देंगे, क्योंकि मधुमक्खी की तुलना उन्होंने किया था, इस बात को दिमाग में रखता था, बार बार छेड़ने का प्रयास भी किया इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको, लेकिन यह एक तरह से जानते थे कि भैया छेड़ना नहीं इनको, जो करने करने दो, थोड़ा सा अपना रोको टोको मत। लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है कॉन्फ्लिक्ट, पूरी रचना बना लेते हैं, और यह मीर कासिम आकर कहता है इनसे कि आपको, मतलब मीर कासिम से कहा जाता है, अंग्रेज कहते हैं सब, इनको किसी तरह उड़ीसा के प्लासी तक लेकर आओ। प्लासी की लड़ाई, प्लासी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, इस बात को याद रखना है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये पूरा डेट सहित याद रख लेना मित्रों, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है आपसे। कब हुआ था याद रखेंगे, तेईस जून 1757 को हुआ था प्लासी की लड़ाई, 23 जून 1757 को उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्लासी में लड़ा गया था। अब वहाँ पर इनको लेके जाता है मीर कासिम, और सच में वहाँ पर कुछ वीरान होता है, और इनके दो सेनापति होते हैं, उनको एक तरफ और एक तरफ की पूरी सेना किसके पक्ष में होती है, एक और सेनापति होता है जो कि उनके पक्ष में होता है, अंग्रेजों के पक्ष। तो मीर कासिम बिल्कुल भी शिथिल होता है, एक तरह से कोई काम नहीं करता है वो बिल्कुल। अब भाई सेनापति है, जब तक आदेश नहीं मिलेगा सेनापति से, तक सेना लड़ेगी नहीं। अब उधर क्या करता है, अंग्रेज आता है, क्लाइव और मार देता है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, बस आते हैं सब, क्योंकि इनकी सेना होती नहीं है यहाँ पर, और यह बस ये सोचते हैं मीर सिराजुद्दौला होते हैं, भैया सेनापति तो हमारा है ही हमारे साथ, लेकिन उनको क्या पता था ये तो व्यू रचना रचा गया है गद्दी के लिए, ससुर लालच में हमको ले जा रहा है मरवाने के लिए। बस गए प्लासी, गए 40 या 45 किलोमीटर दूर, और वहीं पर उनको मर देते हैं। भैया 40-45 किलोमीटर दूर पैदल घोड़ा अगर आएगा भाई, तो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, मतलब बहुत दूर था, लगभग 145 से 146 किलोमीटर दूर ले गया था। तो इतने में उनकी काम तमाम कर देता है, और यहाँ पर यही देखने को मिलता है भाई, यही प्लासी की लड़ाई था। प्लासी की लड़ाई बोला जाता है कि इसी समय यह तय हो जाता है कि सच में भारत में कौन सी शक्ति उत्पन्न होने वाली है, भारत में बहुत ही, भारत का रुख और मोड़ अलग होने वाला है। लेकिन बक्सर की लड़ाई कल हम बताएंगे, वो 1764 में होता है, उसकी भी कहानी हम सुनाएंगे। तो उसमें यह तय हो जाता है कि सच में भारत पर किसका सत्ता हो गया। तो यह प्लासी की लड़ाई यहाँ तक बहुत है, इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद इसको मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, मीर जाफर का इतमाद होता है मीर कासिम, उसकी कल हम सारी कहानी बताएंगे आपको, ठीक है। इसको शेयर करिएगा मित्र, सारी चीज़ें आपके लिए लाए जा रहे हैं, आप देखते रहिए, रिविजन करते रहिए, कहानी के माध्यम से सिर्फ सुनाते हैं कि आपको कहीं कभी भी दिक्कत ना हो, आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।